उधर पूर्व सीएम और संगठन महासचिव अशोक गहलोत से खास बातचीत एडिटोरियल कंसल्टेंट अजीत मेंडोला की लगातार जारी है। जाने चलती पूरे देश से जुड़ गया जोधपुर, कोई सोच नहीं सकता था ना, किसी ने मांग करी थी। इसी रूप में पानी को लेकर जोधपुर खाली होने नौबत आ गई थी। उस वक्त में इमरजेंसी योजना बनती थी, कभी रणसी गाँव से, कभी मनाई से, कभी रामपुरा से, कभी मथाने से। आज स्थिति है कि जो राजीव गांधी जी ने घोषणा करी थी वहाँ पर जोधपुर के अंदर, इंदिरा गांधी के अधिकार पानी आ गया, आज पानी की समस्या समाप्त हो गई। अब खाली डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या रहती है, कई इलाकों में पानी नहीं पहुंचता, ये मेरी जैन में। फिर जो काम जोधपुर में हुए हैं, चाहे ब्रॉडगेज हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे एम्स आया हो, एम्स आना बहुत बड़ी उपलब्धि थी, चाहे IIT हो जो प्रतिष्ठित संस्थान है देश की आज़ादी के बाद में, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी खोली हो हम लोगों ने, चाहे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी खोली हो, चाहे पुलिस यूनिवर्सिटी खोली हो। आज पुलिस यूनिवर्सिटी खाली गुजरात में राजस्थान में है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आज़ादी के पहले में खाली जामनगर में थी गुजरात में, देश में कहीं नहीं थी, मैंने खोली जोधपुर के अंदर। निफ्ट संस्थान जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था दिल्ली में, तब दिल्ली बम्बई हुआ करती थी, आज जोधपुर में निफ्ट खुल गई है। तो ऐसी संस्थाएँ जो प्रतिष्ठित है, ऐसा कम्बिनेशन जो जोधपुर में है पूरे देश के किसी भी शहर में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब संस्था वो है जो प्रतिष्ठित रही है। और आयुर्वेद की बन गई, पुलिस यूनिवर्सिटी बन गई, लॉ यूनिवर्सिटी का जो 5 ईयर कोर्स होता है वो बन गया, तो काम में कोई कमी नहीं रखी। आज जो आधुनिक जोधपुर है उसके अंदर ओवर ब्रिजेज बने, अंडर ब्रिज बने, अंडर पास बने रेलवे के, सब लोग जानते हैं कि अगर ये नहीं होता ट्रैफिक जाम पूरा हो जाता जोधपुर का। आगे भी जो है, जो वसुंधरा जी ने जो उपेक्षा की जोधपुर की, जो मारवाड़ की, उसका बदला लेने के लिए जोधपुर में लोकतंत्र में समय मिलता है चुनाव का। उन्होंने उपेक्षा क्योंकि मैं वहाँ का मुख्यमंत्री रहा, इस कारण लोगों ने भुगता, कोई सुनवाई नहीं होती थी थानों के अंदर, पुलिस के अंदर, वहाँ दिन दहाड़े डकैतियाँ हुई है, दिन दहाड़े मर्डर हो गए हैं लोगों के, कानून से किसी चौपट हो गई, पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाई सरकार, पानी होते हुए भी इतनी लापरवाही देखी नहीं, सड़कें टूटी फूटी पड़ी रही, इतनी उपेक्षा की गई है। हम कहना चाहेंगे कि सरकार हमारी बनेगी तो जोधपुर का मान सम्मान वापस लौटेगा, जन समस्या की सुनवाई होगी, करप्शन पे अंकुश लगेगा, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी और चहुंमुखी विकास होगा, चाहे सड़क हो, पानी हो, सीवरेज हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, सब में चहुंमुखी विकास होगा। अब जैसे कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि चौमुखी विकास होगा जोधपुर के साथ साथ पूरे राज्य का होगा, और उनकी यही कोशिश रहेगी कि सबको साथ लेके चलेंगे और विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे, और इसी पर मैं अपना ये समाप्त करता हूँ। अजीत मेंदोला, दिल्ली से।